हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, इट्स वॉल्यूम, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें हमें क्या कहा है, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये दिया हुआ है हमें सिलेंडर, ठीक है, और इसका हमें दिया हुआ है ऐसे, ये हमें दिया लेटरल, इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो इसके बाहर बाहर का ये रहता है उसका एरिया, उसके जो ये ऊपर का एंड और नीचे का एंड को हटा के जो सरफेस एरिया जिसका जो निकलता है वो हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया है और इसकी हाइट दी हुई है, हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो सिंपल हम इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेटरल सरफेस एरिया दिया कितना है वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया ही होता है ना इसके बराबर, तो क्या लिख देंगे, 94.2, क्योंकि ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो पाई की जगह क्या रखना है, 3.14, ठीक है, और रेडियस हमें नहीं पता तो रेडियस ऐसे ही रहने देंगे, और हाइट हमें क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान देंगे। इस तरीके से ये हमें दिया, अब हमें निकालना क्या है, रेडियस। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, पूरा आर पे, तो आर को यहाँ रहने देंगे, बाकी सारी चीज़ें जो भी हम उसको इस तरफ दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, 94.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 हटाना है, 5 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई में 3.14 भी डिवाइड में आ जाएगा, 2 भी मल्टीप्लाई में तो 2 भी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा, आर, ठीक है। अब देखिए ये डेसिमल हटाया, नीचे आया 10, ये डेसिमल हटाया, ऊपर आया 100, ठीक है, 10 से 10 कटा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 से 5 कैंसिल हुआ। अब देखिए इसको करेंगे, ये हम कर सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 1 और 4 बचा ना 14, 2 1 जा 2, अब इसको भी 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे और ये आएगा 157 को अगर हम 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, देखिए मैंने 3 से इसलिए किया क्योंकि यहाँ 1 है, लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा लास्ट में, ठीक है, तो 3 से, 2 से करने पे 4 आता 14, इसलिए मैंने 3 से किया। चेक करते हैं, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 15, 16 17, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, आ गया 471, तो हम इसको 157, 157 3 जा, तो आर हमारा कितना आ रहा है, ये 3, आर कितना है, 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो देखिए रेडियस आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड हमें बोला है इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, आर हमने निकाल लिया 3, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3, एच हाइट हमारी कितनी थी, 5, ठीक है, बहुत इजी है, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल को यहाँ रहने देंगे, कुछ कट कर नहीं करना, कट करने से क्या होगा हमारा, लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, इसलिए हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए 314 को, एक सेकेंड, 314 है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और नीचे हमारा क्या, 100, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 100 के अकॉर्डिंग डेसिमल लगा देंगे, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 4 1 5, 4 3 जा 12, तो 0 6 6 12 और 1 13, ठीक है, 1 कैरी 3 4, 1 सेकेंड, 1 कैरी
दस ग्यारह इक्यारी दो तीन चार, ठीक है। तो हमारा क्या आया 14130/100। देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, अब एक एक ज़ीरो है 10, तो 10 के अकॉर्डिंग यहाँ डेसिमल लगा देंगे। कहाँ 1413, 10 के अकॉर्डिंग डेसिमल क्या लगेगा, एक डिजिट के आगे, एक डिजिट क्या है 3। हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ हमने 10 लिखा है, जब हम 10 हटाएंगे तभी हम डेसिमल लगाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये, ठीक है। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें ताकि आपके बाकी के फ्रेंड्स को भी क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ताकि मुझे और मोटिवेशंस मिलती रहे, मैं और वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।